स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन ने कुमार गंधर्व के चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को पढ़ा। आज अपन उसमें पढ़ रहे हैं आगे का कि कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के बारे में और क्या क्या बातें बताई है। कुमार गंधर्व कहते हैं कि साढ़े तीन मिनट में गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूं। चित्रपट यानी सिनेमा। तो क्या कहते हैं कि 3-3.5 मिनट का जो गाना है वह, और जो कि शास्त्रीय गायक है वह गाता है 3-3.5 घंटे। खानदानी यानी पुश्तैनी, खानदानी का अर्थ है पुश्तैनी। 3-3.5 घंटे की महफिल, महफिल किसे कहते हैं? महफिल कहते हैं नाच रंग का जो स्थान होता है, नाचने का, गाने का, बोलने का, बोलने यानी गाना गाने का जो स्थान होता है उसे महफिल कहते हैं। जहां 5 आदमी बैठते हैं तो अपन ही कहते हैं क्या महफिल लगा रखी है आपने। उसी प्रकार महफिल एक स्थान होता है जहां पर क्या है कि जो नाचने गाने वाले एक साथ आकर बैठते हैं और अपनी बात करते हैं या नाचते हैं गाते हैं जो भी है उसे कहते हैं महफिल। इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है ऐसा मैं मानता हूं। अब वह मानते हैं कि जो अपने जो चित्रपट सिनेमा का जो गाना होता है वह कितनी देर का होता है, वह 3-3.5-4 मिनट का होता है, इतना ही होता है। और जो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायक है वह गाता है 3-3.5 घंटे का, उनकी महफिल बैठती है 3-3.5 घंटे की। तो वो बोलते हैं कि इन दोनों का कलात्मक, कला और आनंद दोनों का एक ही मूल्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं यानी कुमार गंधर्व बोल रहे हैं कि ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख, विस्तृत यानी फैला हुआ, बड़ा रूप, विस्तृत होता है बड़ा रूप, कि जो कोई अच्छा लेखक है उसका जो बड़ा लेख है वह जीवन के रहस्य का विशद यानी खरा सच्चा, कि जीवन के रहस्य का सच्चा रूप, सच्चे रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत, कि वही जो चीज है वह सुभाषित यानी सुक्ति, जो अपन कोई उक्ति बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं, उसी प्रकार कि वह छोटे से उक्ति का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्ण से प्रकट हुआ भी और दृष्टिगोचर होता है, कि अपन जो एक कहावत बोलते हैं उसी में वह बड़ी बात सामने आ जाती है, जो कि एक जो उत्तम लेखक है, अच्छा लेखक है, वह अपने एक विस्तृत लेख के अंदर लिखता है, पूरे विस्तृत बड़े लेख के अंदर की सच्चाई के बारे में लिखता है और वही चीज एक छोटी सी कहावत से हमें पता लग जाती है, उसे ही दृष्टिगोचर हो जाती है। उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है, कि उसी प्रकार 3 घंटे की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका, ध्वनि मुद्रिका बोलते हैं रस लिपि से आस्वादित किया जा सकता है। कि कुमार गंधर्व बोल रहे हैं कि जिस प्रकार 3 घंटे की, 3.5 घंटे की एक महफिल बैठती है शास्त्रीय संगीतकारों की एक महफिल बैठती है और उसके अंदर जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत गाए जाते हैं, वही चीज लता मंगेशकर के 3-3.5 मिनट के गाने में ही लोगों को आस्वादित कर देती है, वही चीज आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है, स्वर लय शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। अब कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं कि उनका जो एक एक गाना है
वह एक एक गाना क्या है, संपूर्ण कलाकृति है कि वह अपने आप में पूर्ण है। लता मंगेशकर का जो गाना है वह अपने आप में पूर्ण है और उसमें स्वर लय और शब्दार्थ, स्वर लय और शब्दार्थ इनका जो त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम होता है यानी त्रिवेणी यानी तीन का जो संगम होता है उसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम उसे कहते हैं जहाँ तीन धाराओं का एक साथ मिलन है होता है। और वह तीन धाराएं कौन कौन सी हैं, वह तीन धाराएं हैं स्वर लय और शब्दार्थ, यहाँ इनका त्रिवेणी संगम है होता है। कहाँ पर? लता मंगेशकर के गानों में, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उनका महत्व ठहराना उचित है। कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि वैसे तो शास्त्र, वैसे देखा जाए तो जो शास्त्रीय संगीत है उसका क्या अर्थ है और जो चित्रपट यानी जो सिनेमा का संगीत है उन दोनों का क्या अर्थ है। उन दोनों का अर्थ यही है कि जो रसिक जो सुनने वाला है, जो आदमी सुनने वाला है उसे आनंद देने का सामर्थ्य दोनों के अंदर होना चाहिए। चाहे तो वो शास्त्रीय संगीत हो या चाहे वो सिनेमा का संगीत हो, वह दोनों चीज़ें उस देने वाले का जो सामर्थ्य है वह किस गाने में कितना है, यही चीज लास्ट में देखी जाती है कि शास्त्रीय संगीत में ज्यादा है या सिनेमा के संगीत में ज्यादा है। पर इसका महत्व ठहराना उचित है, जो इसी चीज पर महत्व ठहराती है कि कौन कौन सा कितना उत्साहित करता है, कौन से गाने में कितना सामर्थ्य है। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो शास्त्रीय संगीत वह भी रंजक, रंजक यानी मन को लुभाने वाला, दिल को लुभाने वाला न हो तो वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, नीरस ठहरेगा। नीरस यानी बिना रस का। कवि क्या कह रहे हैं कि मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत है वह भी अगर मन को लुभाने वाला नहीं हो तो वह शास्त्रीय संगीत कैसा होगा, नीरस होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का रस नहीं है, बिना रस का वह है। अनाकर्षक प्रतीत होगा तो उसमें किसी, उसमें कुछ कभी कमी सी प्रतीत होगी कि अनाकर्षक जो बिना आकर्षण के, अनाकर्षण प्रतीत होगा तो उसमें कुछ कमी भी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, ज्ञान के कारण, निर्दोष ज्ञान के कारण। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं, कवि कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि अनाकर्षक यानी बिना आकर्षण के प्रतीत होना उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी, कि बिना आकर्षण के जो होगा तो उसमें कुछ कमी सी हमें महसूस होगी कि इसमें कुछ कमी है, इसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, गानपन यानी गाने का जो तरीका, गाने में जो गाने का जो तरीका प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, कि जो शास्त्रीय बैठक होती है उसके पक्केपन की वजह से, ताल और सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता, उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। रंजकता किसे कहते हैं, रंजकता कहते हैं रिझाने की शक्ति को, कि गाने की जो मुख्य शक्ति जो उसकी रिझाने की शक्ति पर अवलंबित रहती है, अवलंबित यानी टिकी हुई रहती है, कि जो जो रिझाने की शक्ति है, जो गाना है उसकी जो रिझाने की शक्ति है वह किस पर टिकी रहती है, रिझाने की शक्ति पर, गाने की जो शक्ति है वह रिझाने की, आदमी को रिझाने की, रसिक को जो सुन रहा है उसे रिझाने की शक्ति पर ही टिकी रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, रंजकता यानी जो रिझाने की शक्ति है उसका मर्म जो रसिक जो सुनने वाला है, सुनने वाला वर्ग है उसके समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से, रीति यानी ढंग से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है, समाविष्ट यानी मिला हुआ है। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो रिझाने की शक्ति है वो रसिक, जो रसिक वर्ग है, सुनने वाला वर्ग है, उसके समक्ष कैसे कैसे दिखाई जाए, उसके समक्ष कैसे प्रस्तुत की जाए, किस रीति से, किस ढंग से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद, सुसंवाद किसे कहते हैं, सुसंवाद कहते हैं सुसंवाद साधना यानी आपस में तालमेल बिठाना, कि आपस में तालमेल कैसे बिठाया जाए, यह सब चीज इसमें समाविष्ट है, इसमें मिली हुई है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक
प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन और शास्त्रीय गायन ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तैलचित्र किसे कहते हैं? तैलचित्र कहते हैं तैलीय रंगों से बनाया गया चित्र। सुसंगत अभिव्यक्ति यानी तालमेल से युक्त अभिव्यक्ति। समाविष्ट यानी व्याप्त। समाविष्ट किसे कहते हैं? समाविष्ट कहते हैं व्याप्त यानी उसके अंदर ही मिला हुआ। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, कि जो एक मनुष्य है उसका जो अस्थि पंजर है, मनुष्य की जो अस्थि पंजर है, जो हार्ड मास का जो शरीर है अस्थि पंजर, और एक प्रतिभाशाली और एक जो कलाकार है, जीनियस है, प्रतिभाशाली है, उसके द्वारा उसी मनुष्य का तैलीय चित्र। तैलीय चित्र यानी तेल से, तेल के रंगों से बनाया गया जो चित्र होता है, ऑयल पेंट से बनाया गया जो चित्र होता है उसे कहते हैं तेल चित्र। कि मनुष्य द्वारा किसी प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उस मनुष्य का जो तैलीय चित्र बनाया जाता है, उन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन और शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत। सुसंगत किसे कहते हैं? सुसंगत अभिव्यक्ति। सुसंगत अभिव्यक्ति, सुसंगत अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? सुसंगत अभिव्यक्ति कहते हैं जो तालमेल से युक्त अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति यानी रुचि, कि जो तालमेल से युक्त जो अभिव्यक्ति होती है वही सुसंगत अभिव्यक्ति होती है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। खानदानी यानी पुश्तैनी। अब कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि संगीत के क्षेत्र में, कि संगीत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो लता मंगेशकर का स्थान है वह अव्वल यानी ऊंचे दर्जे का ही होना चाहिए, ऊंचे दर्जे का ही मानना पड़ेगा। खानदानी गायक के समान, जो जिस प्रकार एक पुश्तैनी गायकार होता है कि उसकी पुश्ते हमेशा से गाती आ रही है, पुश्तैनी गायकार होता है उसका दर्जा एक ऊंचा होता है, उसी प्रकार गाने के क्षेत्र में लता मंगेशकर का स्थान भी ऊंचे दर्जे का ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? अब कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व एक सवाल कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं? कि क्या लता मंगेशकर, वो कह रहे हैं क्या लता मंगेशकर 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय, कि ऐसा जिस आदमी के मन में संशय, कि कोई आदमी उसके मन में ऐसा संशय है कि क्या लता मंगेशकर 3 घंटे का जो महफिल है उसे जमा सकते हैं? संशय यानी संदेह, कि उनके मन में जो संदेह है कि क्या लता मंगेशकर 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, ऐसा संदेह करने वालों से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, कि जिनके मन में ऐसा संदेह है उन लोगों से मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। और वह क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कि क्या कोई पहली श्रेणी यानी ऊंचे दर्जे का गायकार है, ऊंचे दर्जे का गायकार है, वह तीन मिनट की अवधि में, कि जिस प्रकार आप कह रहे हो आपको संदेह है कि लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, तो क्या एक ऊंचे दर्जे का जो शास्त्रीय गायकार है वह 3 मिनट में यानी 3 मिनट की अवधि में सिनेमा का कोई गाना इतने कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है, गा सकेगा? ऐसा प्रश्न वह पूछ रहे हैं। किससे? लोगों से पूछ रहे हैं, कि जिन लोगों के मन में यह संदेह है। रसोत्कटता यानी रस से सरोबार होना। रसोत्कटता किसे कहते हैं? कि वह इतनी कुशलता से उसे रस से सरोबार कर सकेगा? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर देना उन्हें देना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं, ऐसा वह नहीं कर सकता, इस प्रश्न का उत्तर उन्हें इसी प्रकार देना पड़ेगा। खानदानी गवैये का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। खानदानी यानी जो पुश्तैनी गवैये, उनका एक दावा और भी है, पुश्तैनी गवैये उनका एक दावा यह भी है कि जो चित्रपट सिनेमा है, जो पर्दे का जो संगीत है, सिनेमा का जो संगीत है, चित्रपट यानी पर्दे का सिनेमा का जो संगीत है, उससे लोगों की जो रुचि है वह क्या हो गई है? वह बिगड़ गई है। लोगों की रुचि उससे बिगड़ गई है जो सिनेमा का संगीत है,
खानदानी गवैये पुश्तैनी गवैये, खानदानी का अर्थ है पुश्तैनी, पुश्तैनी गवैये, ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि जो चित्रपट जो सिनेमा का संगीत है, पर्दे का जो संगीत है, उससे उससे लोगों की रुचि है वो क्या हो गई है, बिगड़ गई है, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो चित्रपट जो पर्दे का जो गाना है उसने क्या है लोगों के कान बिगाड़ दिए, कान बिगाड़ दिए यानी सुनने की रुचि को गिराना, क्यों उन्होंने उनकी जो सुनने की रुचि है उसको क्या कर दिया है, गिरा दिया है, ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया जाता है। कि इनके द्वारा पुश्तैनी गवैयों के द्वारा, खानदानी गवैयों के द्वारा। पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं, ये विचार पहले ही व्यक्त किए और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूंगा। अब कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो कुमार गंधर्व कह कि जो चित्रपट संगीत है यानी जो पर्दे का संगीत है उसने लोगों के कान खराब नहीं किए, सुनने की रुचि उन्होंने लोगों जो सुनने की जो रुचि है वो बिगाड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने उन्हें सुधार दिया है, उल्टे सुधार दिए, ये विचार पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ। और उनकी पुनरुक्ति यानी दोबारा से बोलना कि यह विचार मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ कि लोगों के कान जो चित्रपट सिनेमा है उसने बिगाड़े नहीं है लोगों के कान, बल्कि उल्टे उनको सुधार दिया है, इस बात को मैं दोबारा नहीं कहूंगा। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़े आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हो। कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि सच तो यह है कि जो हमारे शास्त्रीय गायकार हैं उन्होंने बड़े आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं, वो आत्मसंतुष्ट यानी खुद की आत्मा में खुद ही संतुष्ट है, वृत्ति यानी भाव से, यानी खुद ही संतुष्टि के भाव से संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपने हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। और जो संगीत है उस क्षेत्र में उन्होंने क्या स्थापित कर रखा है, उन्होंने अपने हुक्मशाही यानी अधिकार शासन स्थापित कर रखा है, उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर रखा है गायकी के क्षेत्र में। कौन, जो हमारे शास्त्रीय गायकार हैं, शास्त्र शुद्धता। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, कि उन्होंने जो शास्त्रीय गायक है उन्होंने जो शास्त्रों की शुद्धता है, उनके कर्मकांड यानी जो रूढ़िवादी है, रूढ़ी विचार है, कर्मकांड किसे कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं रूढ़ियां, उनमें जो रूढ़ियां व्याप्त है उनको उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, कि उन्होंने जो कि शास्त्रीय गायक है उन्होंने इन रूढ़ियों को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। और मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजातीय संगीत से जान पहचान होने लगी है, लेकिन जो सिनेमा चित्रपट संगीत यानी जो सिनेमा का पर्दे का जो संगीत है उसने, पर्दे के संगीत ने लोगों की अभिजातीय संगीत से कि जो लोग हैं कुलीन वर्ग के लोग हैं उनकी संगीत से जान पहचान होने लगी है। अभिजातीय संगीत यानी जो कुलीन वर्ग से संबंधित है, उच्च वर्ग से संबंधित है, उससे जान पहचान होने लगी है, उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है, चौकस यानी सावधानी, वृत्ति यानी भावना, कि उनकी जो भावना है वह अब सावधानी की भावना उनकी बढ़ती जा रही है, केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए। अब कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं, कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो यह चाहते हैं कि केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस यानी बिना रस का गाना उन्हें नहीं चाहिए, कि शास्त्र तो शुद्ध है लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का रस ही नहीं है, बिना रस के गाने नीरस है, उन्हें इस प्रकार के नीरस गाने नहीं चाहिए, उन्हें तो चाहिए सुरीला और भावपूर्ण गाना। उन्हें कैसे गाने चाहिए, उन्हें चाहिए सुरीले जिनमें अच्छी लय हो, अच्छी तान हो, और जो भावनाओं से पूर्ण उन्हें ऐसे गाने चाहिए, सुरीले और अच्छे गाने चाहिए, यानी बिना नीरस गाने उन्हें नहीं चाहिए, बिना रस के गाने उन्हें नहीं चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है, और यह क्रांति यानी बदलाव, और यह बदलाव शास्त्रीय संगीत नहीं लेकर आया, यह बदलाव लेकर आया है चित्रपट यानी सिनेमा का संगीत, पर्दे का संगीत। कौन सी
बिना जो सुरीली और भावपूर्ण क्रांति है, यह चित्र संगीत ही लेकर आए। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषय अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ है। जो सिनेमा का संगीत है वह जो समाज की संगीत विषय रुचि है, संगीत से संबंधित जो समाज की रुचि है उसमें विशेष प्रभावशाली मोड़ लेकर आया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। कवि कुमार गंधर्व क्या कह रहे हैं? कुमार गंधर्व कह रहे हैं कि चित्रपट संगीत की जो लचकदारी है, लचकदारी यानी उसका जो ऊपर नीचे होना है, चित्रपट संगीत का जो ऊपर नीचे का होना है, एक उसमें एक और सामर्थ्य है उसका ऊपर नीचे होना, उसका यही एक और सामर्थ्य है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे यानी कुमार गंधर्व को ऐसा लगता है जो चित्रपट संगीत है उसका ऊपर नीचे होना, यानी उसमें जो जिस प्रकार की लचक है वही उसका एक और सामर्थ्य है। उस संगीत की मान्यताएं मर्यादाएं झंझटें सब कुछ निराली है। कवि कह रहे हैं कि वह जो संगीत है, उस संगीत की जो मान्यता और मर्यादा है और जो इस प्रकार की झंझट वह इन सबसे कुछ क्या है, अलग है, इन सबसे एक अलग है, निराली है। ओके, थैंक यू। आज का अपना चैप्टर यहीं पर पूरा होता है और इसका आगे का अपन करेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू। आपको कुमार गंधर्व को एक बार और पढ़ना है, ठीक है।